हेलो फोक्स, यू आर वॉचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खेई। क्रिकेट जगत में बीते कुछ समय से कोरोना के कारण काफी सीरीज हमने ऐसी देखी हैं जो कि रद्द कर दी गई या फिर उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन बहुत समय बाद हमको एक ऐसी सीरीज देखने को मिली है जो कि बिना बॉल डाले रद्द कर दी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जो सीरीज पाकिस्तान में होने वाली थी। सब कुछ सेट था, सब कुछ रेडी था, लेकिन एन वक्त पर जो है न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने और टीम मैनेजमेंट ने सीरीज खेलने से मना कर दिया। सबसे बड़ा कारण रहा सिक्योरिटी रीजंस। जी हाँ, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर नहीं आना चाहते थे और लगातार विचार विमर्श हुआ, लेकिन बात नहीं बनी और सीरीज को रद्द करना पड़ा। अब ऐसे में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, दुनिया भर के क्रिकेटर्स की अगर बात करी जाए तो पाकिस्तान के सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हमको सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं। जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं पाकिस्तान के सपोर्ट में, और ऐसे में पाकिस्तानी टीम के हरफन मौला खिलाड़ी मोहम्मद आमिर, जिन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट वापस लिया है, उन्होंने बहुत ही करारा ट्वीट न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए किया है, उनकी टीम के लिए किया है। बताएंगे आपको कि क्या कहना है मोहम्मद आमिर का, लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स टाइगर को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे भी फटाफट प्रेस कर दीजिए। चलिए अब आपको बता दें कि क्या ट्वीट जो है वो मोहम्मद आमिर ने किया है। दरअसल मोहम्मद आमिर ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए ये लिखा है कि हम पाकिस्तानी होने के नाते तो ज़रूर आपको माफ़ कर सकते हैं क्योंकि हम एक बहुत ही लविंग नेशन है, लेकिन आगे चल के आपको भविष्य में जो आपका डिसीजन है ये काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, और इसको लेके जो है देखिए कटाक्ष एक तरीके से मोहम्मद आमिर ने किया है। काफ़ी तीखा बयान, मैं कहूँगा तीखे लफ्ज़ों का इस्तेमाल मोहम्मद आमिर ने किया, और एक स्टेटमेंट ज़रूर उन्होंने देने की कोशिश करी है। जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड सभी जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा निराश हैं उनके न्यूजीलैंड के इस डिसीजन से। इसके साथ साथ क्रिस गेल ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था जहां पे उन्होंने पाकिस्तान जाने की बात कही थी, और ये भी उन्होंने उस ट्वीट में पूछ लिया था कि कौन उनके साथ पाकिस्तान जाना चाहता है। अब इस ट्वीट का वेलकम जो है मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद आमिर सभी बड़े क्रिकेटर्स ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर किया, और इस वक्त हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तानी टीम को मिल रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को मिल रहा है। लेकिन क्या न्यूजीलैंड का ये फैसला आगे चलकर जो भी FTP से लेके या फिर पाकिस्तान से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं, रिसेंटली हम ज़रूर उन्हें T20 वर्ल्ड कप में देखेंगे जहां पे दोनों टीम्स आपस में भिड़ेंगी, ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा कांटेदार हो सकता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा जो है आप ये कह लीजिए कि जो मुकाबला वो अपने घर पर खेलना चाहते थे, जो सीरीज़ होनी चाहिए थी वो अब UAE में वर्ल्ड कप में हमको एक मैच में ज़रूर देखने को मिलेगी। देखते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी आवाम और साथ ही साथ पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं कितने ज़्यादा जो हैं जोश से लबरेज होते हैं इस मैच के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। हर कोई अपने घर पर खेलना चाहता है और चाहता है कि जिस तरीके से भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये तमाम कुछ ऐसे देश हैं जो कि लगातार बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम बीते कुछ सालों से घर पर खेलने की कोशिश कर रही है। कुछ कुछ सीरीज़ भी ज़रूर हुई, लेकिन बड़ी सीरीज़ की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड 18 साल बाद आ रहा था, इंग्लैंड ने भी आना है, ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है, और ऐसे में इस वक्त पर न्यूजीलैंड का इस तरीके से जाना काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करता है। देखते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी बोर्ड कम बैक करता है। रमीज़ राजा जो कि रिसेंटली सेलेक्ट किए गए हैं चेयरमैन के तौर पर, उनका किस तरीके से जो है कंट्रोल रहता है इस पूरे मुद्दे पे, बड़े बयान उनके भी ज़रूर आए थे रमीज़ राजा की अगर बात करें। देखते हैं आगे चल के मोहम्मद आमिर के अलावा और कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ न्यूजीलैंड की टीम या फिर उनका बोर्ड किस तरीके से रिप्लाई जो है इन सभी सवालों का करता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए और स्पोर्ट्स टाइगर को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।